मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, दिस इज योर चैप्टर नंबर 20, द गवर्नमेंट इन इंडिया। अब हम इसमें सरकार के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की सरकार कैसी है। इंडिपेंडेंस के बाद मोस्ट ऑफ द जो टास्क थे हमारे लीडर के सामने ये था कि कुछ ऐसे रूल्स को बनाया जाए कि जिससे हमारी कंट्री आसानी से चल सके। अभी तक तो सारा काम ब्रिटिश करते थे, लेकिन अब जो था अभी हमारे सामने समस्या थी कि जब हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं तो अब हमारी कंट्री को कैसे चलाएं, कैसे रूल्स हों जिनको सब माने और उसके अकॉर्डिंग शांति से पूरा देश चलता रहे। यही रूल्स जो थे वो आपके एक डॉक्यूमेंट बनाया गया, उसमें लिखे गए और इसी डॉक्यूमेंट को कहा गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। इंडिया में आपके अभी जैसे इसमें 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज है, तो इसमें बेटा 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ये चेंज हो गया है, ठीक है। और हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है, जिसे स्टेट गवर्नमेंट का सभी राज्यों की, स्टेट का मतलब राज्य, जैसे आपका बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, महाराष्ट्र, ये सब क्या है, राज्य हैं। और इन सभी राज्य की स्टेट्स की क्या है, अपनी अपनी गवर्नमेंट है। और यही गवर्नमेंट आपकी रेस्पॉन्सिबल होती है कि जो भी राज्य है उसमें लॉ एंड ऑर्डर, कानून सही से चले, लोग अच्छे से रहें, ठीक है। और ओवरऑल गवर्नमेंट भी होती है जो पूरी कंट्री को, एंटायर कंट्री को गवर्न करती है, ठीक है, जो पूरी कंट्री के गवर्नेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि लॉ बनाती है पूरी होल कंट्री के लिए, और ये श्योर करते हैं कि ये सभी लॉ फॉलो किए जाएं सभी सिटीजन के थ्रू। यूनियन टेरिटरीज जो है वो डायरेक्टली गवर्न होती हैं सेंट्रल को। यूनियन टेरिटरीज पता है इसे, अंडमान आपका अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ठीक है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, ये सब यूनियन टेरिटरीज हैं आपकी। तो इस पर आपकी स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, इस पर कौन होता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल चलता है थ्रू द गवर्नर। ईच लेवल जो गवर्नमेंट है वो डिवाइड होती है थ्री ब्रांचेस में। इसमें इनका लेजिस्लेचर होगा, एग्जीक्यूटिव्स होंगे और एक आपका जुडिशरी होगा यानी कोर्ट होगा। जो लेजिस्लेचर जो है वो क्या करता है, लॉ बनाता है कंट्री के लिए। जो पार्लियामेंट होती है वो आपकी क्या बनाती है, लॉ बनाती है। और जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं यानी जो मिनिस्टर्स होते हैं वो इन लॉ को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। जुडिशरी जो होती है इन लॉ को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। डिस्प्यूट अगर कहीं पर भी झगड़ा हो जाता है तो उसको कहां जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं ना, तो इन्हीं लॉ के हेल्प से वो इन डिस्प्यूट को रिजोल्व करती है और न्याय दिलाती है लोगों को। लेजिस्लेचर द लॉ मेकिंग बॉडी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आता है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट जो है आपकी लॉ मेकिंग बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। और पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। जो मेंबर होते हैं लोकसभा के उन्हें हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग वोट देने जाते हैं, सांसद होता है हमारे यहाँ का, लोकसभा का इलेक्शन होता है, उसमें हम लोग जाते हैं वोट करने पर अपना सांसद चुनते हैं, ठीक है। और मेंबर ऑफ राज्यसभा जो होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, उनके लिए कोई भी हम लोग इलेक्शन, हम लोग वोट नहीं डालते उनमें। आपके कौन डालते हैं, विधानसभा के मेंबर्स जो होते हैं वो आपके वोट करते हैं। अब लोकसभा जो होती है, लोकसभा जो है उसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बाय द पीपल। दूसरा नेम जो होता है इसे लोअर हाउस भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम नंबर है यहाँ पर वो आपका 552 है, 552 है, जिसमें से 530 मेंबर्स जो हैं वो स्टेट से चुनकर आते हैं, 20 मेंबर जो होते हैं वो आपके यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, और 20 मेंबर्स जो होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है अपने आप से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। कोई भी सिटीजन जो कि 25 साल का हो चुका है वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल हो जाता है। अगर इलेक्टेड पीपल और सिटीजन जो है वो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी बन सकता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो इलेक्ट करते हैं स्पीकर को, लोकसभा जो होती है उसकी मीटिंग्स को, प्रोसीडिंग्स को करने के लिए सेशन के दौरान, उसके लिए स्पीकर भी उन्हीं में से चुना जाता है। और उसके साथ में एक डेप्यूटी स्पीकर भी होता है जो कि आपके लोकसभा के मेंबर्स ही चुनते हैं उनको। और लोकसभा का टर्म 5 ईयर का होता है, उसके बाद दोबारा से फ्रेश इलेक्शन कराए जाते हैं। फिर हमारा आता है राज्यसभा। राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट, इसे अपर हाउस भी कहा जाता है। लोकसभा की तरह इसके मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। ये लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट किए जाते हैं यानी आपके विधानसभाओं से। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 250 मेंबर की है, जिसमें से 238 इलेक्ट होते हैं और 12 जो है आपका प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। 1/3 इसके मेंबर हर साल रिटायर हो जाते हैं, हर दूसरी साल,
और नॉमिनेटेड मेंबर्स आर यूजली वेल नोन पर्सन होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, आर्ट से, लिटरेचर से, साइंस से या सोशल साइंस के जो पीपल होते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो राज्यसभा के मेंबर बनाए जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का जो होता है वो चेयरमैन होता है हमारी राज्यसभा का। और फिर आते हैं हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव्स की अगर बात करें तो मेन वर्क जो होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव का वो होता है कि जो लॉ बनाए गए हैं लोकसभा में उन लॉ को इम्प्लीमेंट करना। यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। अब हेड ऑफ द कंट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रेसिडेंट जो होता है वो कंट्री का हेड होता है, सुप्रीम कमांडर आर्म फोर्सेस का होता है, जितनी भी आपकी एयरफोर्स, नेवी और आपकी आर्मी है उनका हेड होता है। प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट होता है लोकसभा, राज्यसभा और आपकी विधानसभाओं से, और प्रेसिडेंट का टर्म जो होता है वो आपका 5 साल का होता है। फिर आता है प्राइम मिनिस्टर जो गवर्नमेंट या यूनियन कैबिनेट का हेड होता है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और इंडिया में वो अपने कैंडिडेट को प्रोजेक्ट करती हैं इलेक्शंस के लिए। सिटीजन जो कि इलेक्शन लड़ते हैं वो आपकी किसी पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी और ग्रुप पार्टीज जिनके मैक्सिमम नंबर आते हैं, यानी जो आपके इलेक्शन में जीत कराते हैं मैक्सिमम नंबर में, ठीक है, वो आपकी सरकार बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो उनका लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर कहलाता है और प्राइम मिनिस्टर अपने दूसरे मिनिस्टर्स को चूज करता है और इनमें आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ यूनियन कैबिनेट होते हैं, ठीक है। और जो आपके मेंबर ऑफ यूनियन कैबिनेट होते हैं उन्हें ही कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है। यूनियन कैबिनेट का हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है और वो गवर्नमेंट को रन करता है। फिर आता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट, लोकसभा और की तरह ही विधानसभा भी होती है राज्यों की, लेजिस्लेटिव असेंबली। हर स्टेट में इलेक्शंस जो हैं वो आपके होते हैं और इलेक्ट करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, विधानसभा के लिए मेंबर्स को। लेजिस्लेटिव असेंबली वर्क करती है, ठीक है, और ये लॉ मेकर होती है स्टेट का। मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं उन्हें एमएलए या विधायक कहा जाता है और ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, जो मैक्सिमम नंबर एमएलए होते हैं जिसके पास, वो आपकी क्या बनती है, सरकार बनाती है। और जो लीडर होता है उनका, वो चीफ मिनिस्टर बनता है स्टेट का और उसके साथ में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। गवर्नर जो होता है हेड होता है स्टेट का और उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अगर हम जुडिशरी की बात करते हैं, न्यायपालिका जो हमारी होती है वो गवर्नमेंट का आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है जो कि लॉ को, जस्टिस को लेकर आते हैं पूरे सोसाइटी में और पनिश करते हैं जो लॉ को तोड़ते हैं। जुडिशरी में बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, और इनके जो मेंबर होते हैं उन्हें जज कहा जाता है। यहाँ पर सीरीज ऑफ कोर्ट होते हैं हर स्टेट में, लोअर कोर्ट टू द हायर कोर्ट होता है। स्टेट हाई कोर्ट जो होता है हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी होती है पूरे राज्य की। अबाउट द हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट से अब आपका सुप्रीम कोर्ट होता है और जो हाईएस्ट अथॉरिटी है लॉ को देखने की कंट्री के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट होती है। जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करता है। और किसी भी पर्सन के अगर राइट्स को कहीं वायलेट होता है तो वो जाकर आपका जस्टिस के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इन कोर्ट लॉयर्स होते हैं जो केस को रिप्रेजेंट करते हैं लोगों के जज के सामने। जज उनको सुनता है और अपने जजमेंट को देता है अकॉर्डिंग टू द अपील्स, ठीक है, और आर्गुमेंट्स। अगर पीपल सेटिस्फाई नहीं होते हैं जजमेंट से वो हायर कोर्ट में जा सकते हैं। इन सच केसेस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन होता है, ठीक है बेटा। ये आपका यहाँ पर चैप्टर फिनिश हो गया है। फिर अब हम आगे आपकी एक्सरसाइज को करवाएंगे।